तो फ्रेंड्स आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो का F21 Pro 4G वर्सेस वीवो का V23e 5G, इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। यदि आपने इन दोनों में से कोई भी चला के देखा, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। A to Z सिंपल सा कंपैरिजन रहने वाला, आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। इसको लॉन्च हुए कुछ महीने हुए हैं, इसको लॉन्च हुए कुछ दिन हुए, वीक कह सकते हो आप। अगर हम बात करते हैं इन सोनों की, सबसे पहले प्राइस के बारे में, प्राइस के बारे में बात किया है तो ये आपको मिलेगा 23,000 का, ये आपको मिलेगा 26,000 का। अब जो 3,000 का डिफरेंस आता है वो देखते हैं उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं वीवो और ओप्पो में, तो दोनों ऑफर और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कंपनियाँ। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के बारे में, जो कि प्राइस का डिफरेंस मैंने आपको बताया 23,000 और 26,000, अब 3,000 का डिफरेंस क्या है नोट करते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक के बारे में। लुक दोनों की काफ़ी औसम है, ठीक है। कलर आप दोनों में ब्लैक कलर भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले साइज़ की, डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं इसकी, तो 6.4 इंच फुली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी भी सेम डिस्प्ले रहेगी, 6.4 इंच फुली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। फ्रंट कैमरे की बात करते हो 32 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा आपको। अगर हम इसकी बात करते हो तो इसमें भी आपको 44 वाट का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। चला के देख लेते हैं आज सबको। ओहो, तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, मैं टॉफी खाता खाता वीडियो बना रहा हूँ। फ्रंट कैमरा दोनों की काफ़ी बढ़िया है, इसके वीवो को थोड़ा अभी प्लस पॉइंट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने अभी काफ़ी शूट कर चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो बना लिया, लगभग 22 वीडियो शूट कर चुका हूँ, और उसके बाद ये 23वीं वीडियो है। तो सोच सकते हो मेरा क्या हाल हो रहा है, लगातार नॉन स्टॉप। तो अच्छे दोनों कैमरे, बाकी चलते हैं, आपको इसमें नाइट मोड दोनों में देखने को मिल जाएगा और बैक कैमरा भी बेटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसका प्लस पॉइंट मिल गया इसमें कि आपको अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च भी रहे हो तो आपको इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी मेगापिक्सल में अच्छा मिल जाएगा, डिटेल अच्छी मिल जाएगी। तो राइट साइड में बात करते हैं तो आपको वॉल्यूम की रोकर का बटन अप डाउन का, साथ में आपको पावर लॉक बटन, ओप्पो में आपको पावर लॉक बटन राइट साइड में मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में बात करते हैं आपको वॉल्यूम की रोकर का मिलेगा देखने के लिए ओप्पो में, और साथ में सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और वीवो एकदम क्लीन देखने को मिलता है। आपकी बात करते हैं सेकेंडरी माइक दोनों में सेम पोजीशन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्रोन की बात करते हैं तो आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा, मेन माइक देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक वीवो में नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। आप में बात करते हो आप में भी नहीं है, ठीक है, साइड में तो होता ही नहीं है। यहाँ 3.5mm का हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है, चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा वीवो में। अब आते हैं बैक में। बैक में बात करते हैं तो इसका जो मेन कैमरा रहने वाला है ओप्पो का 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। अगर हम वीवो की बात करते हैं तो इसमें आपको सेंसर भी मिलेगा, साथ में फ्लैश भी मिलेगी। वीवो की बात करते हैं, वीवो में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश। नीचे आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के वेरियंट की, वेरियंट की बात करते हैं दोनों में आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। और अब जो इनका वेरियंट में रैम बढ़ती है वो भी देख लेते हैं, किसमें कितनी रैम बढ़ रही है। तो इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, इसकी भी सेटिंग में चले जाते हैं। अवॉर्ड डिवाइस में जाएंगे, इसमें आपको मिलेगी ऑप्शन जो मिलता है 5GB रैम तक आप ओप्पो में बढ़ा सकते हो। और वीवो की बात करते हैं तो वीवो की रैम बढ़ाने का ऑप्शन ये रहता है रैम का, तो इसमें आप जो रैम बढ़ा सकते हो वो 4GB तक बढ़ा सकते हो, मतलब इसकी रैम आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का। अगर इसकी बात करते हैं इसमें आपको मीडिया टेक का देखने को मिलेगा, डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 5G वाला, इसमें 5G है, इसमें 4G है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 33W के फास्ट चार्जर के साथ है। अगर इसकी बात करते हैं इसमें 4050mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 44W के फास्ट चार्जर के साथ है। इजीली बताऊं तो आपका दोनों का एक दिन इजीली निकलेगा, फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का या 20 मिनट का। चार्जिंग में भी ये फ़र्क पड़ने वाला है, और आपको डे में यूज़ करने में सेम फ़र्क पड़ने वाला है। ओवरऑल आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी काफ़ी इन्हें कमेंट करके पूछते हैं कौन सा फ़ोन अच्छा है। भाई सारे फ़ोन अच्छे हैं, डिपेंड करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी ने गेम खेलनी है, किसी ने कैमरा चलाना है, किसी ने फेसबुक चलानी है, किसी ने फिल्टर लगा के फ़ोटो खींचनी है, तो सारे अपने हिसाब से बेस्ट है। तो बस आपको जो अच्छा लगा आप परचेज कर सकते हो। अगर इन दोनों में कोई भी चला के देखना, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लोकेशन पर क्लिक करोगे सारा A to Z आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे कहाँ आना है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सिंपल सा कंपेरिजन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो ओप्पो वर्सेस वीवो, आई होप कि आपको अच्छा लगा।